बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप लोग? आज हम बनाएंगे ग्रीन झींगा मसाला। तो यहाँ पर हमने ले लिया है झींगा, जिसे धो कर के अच्छे से साफ़ कर लिया है, और प्याज, अदरक, लहसुन, नारियल, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च है, करी पत्ता, कसूरी मेथी, राई दाना, ज़ीरा और मेथी दाना है। और मसालों में ले लिया है हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जीरे का पाउडर और काली मिर्च का पाउडर। तो सबसे पहले हम मसाला पीस लेंगे, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम मसाला पीसने के लिए ले लेंगे मिक्सर जार, उसके अंदर डालेंगे हरा धनिया, पुदीना, ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं पुदीना, या तो ना डालें, हरी मिर्च, प्याज, अदरक लहसुन और यहाँ पर थोड़ा सा नारियल ले लिया है। इन सबको हम अच्छे से पीस लेंगे। मसाला हमने पीस लिया है, इसका अच्छे से पेस्ट बना लिया है। अब चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस पे पैन चढ़ा दिया है, इसमें ऑयल डाल देंगे। सबसे पहले हम झींगों को अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लेंगे। इसे एक दो मिनट ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं ताकि इसकी जो स्मेल है वो निकल जाए। झींगा हमारा फ्राई हो गया है, हम इसे निकाल लेंगे। उसी पैन में अब हम वापस से थोड़ा सा और ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें हम डाल देंगे जीरा, राई और मेथी दाना, कड़ी पत्ता। अब इसके अंदर हम डाल देंगे जो पीस लिया था हमने मसाला, और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। मसाला हमारा एक मिनट से ऐसे ही भून रहा है, और इसमें डाल देंगे हम कसूरी मेथी, अच्छे से हाथों में मसल के डाल देंगे। और जो हमने ड्राई मसाले ले लिए हैं, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर और काली मिर्च का पाउडर, इन्हें भी डाल देंगे और इन्हें अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और मसाले को अच्छे से भून लेंगे। और मसाला अच्छे से भून गया है, अब इसके अंदर हम झींगे को डाल देंगे और इसे एक मिनट फ्राई कर लेंगे, इसके अंदर अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसके अंदर जितनी ग्रेवी रखनी है उतना पानी डाल देंगे। ग्रेवी कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब इसे ढक करके पकने देंगे। आइए चेक कर लेते हैं। करी हमारी बनकर के बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और इसे कर लेंगे डिश आउट। झींगा करी हमारी बन करके तैयार है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।